तो दोस्तों फाइनली हम बन चुके हैं वीगन। वीगन शब्द को मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने सुना होगा और उससे भी काफी कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि वीगन क्या होता है। वीगन का मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी जो एनिमल से निकली हुई किसी भी चीज का कंजप्शन नहीं करता है। जैसे गाय दूध देती है तो दूध भी नहीं पीता है, और जैसे भेड़ पर क्रुएल्टी करके ऊन से वस्त्र बनाए जाते हैं तो वो उनका भी यूज नहीं करता है। तो कुल मिला के एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ उसकी एक ही जंग होती है, वीगनिज्म। वीगनिज्म मतलब कि जो प्लांट बेस्ड चीज़ों पर आप आधारित है। पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलेंगी वो खाएगा, जो पेड़ पौधे चीज़ों से बनेगी वो पहनेगा। तो हम वीगन क्यों बने, आइए इस पर बात करते हैं। वीगन से पहले एक शब्द आता है वेजिटेरियन। दोस्तों वीगन बनने से पहले हम लोग वेजिटेरियन थे, लेकिन अब हमें वीगन बनना पड़ा। मेरा कारण कुछ और है, मम्मी का कारण कुछ और है, जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम वेजिटेरियन क्यों हैं। देखिए बचपन से जो हमारा घर का माहौल था, गांव में ऐसा ही था कि हमारे आसपास कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था, तो इस कारण से हमारी फैमिली में भी कोई नहीं खाता था। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि तुम नहीं खा सकते, ना कोई हम ब्राह्मण जाति से थे, क्योंकि ये चलन है कि पंडित है तो नहीं खाएगा। हम सोनी परिवार से थे, मतलब कास्ट को मैं इतना नहीं मानता लेकिन बता रहा हूँ मैं, तो हमारे ऊपर ये भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जब हम बड़े हुए चीज़ों के बारे में जाना, तब पता चला कि काफ़ी सही बात थी और ये हमारे साथ जो हुआ काफ़ी अच्छा हुआ। जाने अनजाने हमने वेजिटेरियन चीज़ों का सेवन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वेजिटेरियन चीज़ें आती है प्लांट से, लेकिन नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आती हैं जानवरों से, जानवरों को मारकर या फिर उनको दर्द देकर। हमारे पास कोई कारण ही नहीं है नॉन वेज खाने का। काफ़ी सारे लोगों के पास कई तर्क होते हैं इसके पीछे, तो चलिए एक एक करके उन तर्कों को देखते हैं। तो पहला तर्क लोगों का ये रहता है कि अगर मुर्गे बकरे हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में वही छा जाएंगे, हर जगह वही दिखेंगे। तो इस तर्क के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुर्गे बकरे को छोड़कर आप और कोई जानवर खाते हैं क्या? उनकी तो आबादी नहीं बढ़ गई। आप शेर नहीं खाते, आप हिरण नहीं खाते, तो क्या वो पूरी दुनिया पर छा गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये तर्क बिल्कुल गलत है, उल्टा इंसान खुद ही इनकी आबादी को बढ़ाता है अपने खाने के लिए। इनकी अप्राकृतिक तरीके से ब्रीडिंग करा करा के, जहाँ एक मुर्गी एक साल में 20 से 25 अंडे देती है, वहीं अप्राकृतिक तरीके से 250 से 300 अंडे उससे लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो मुर्गे हैं उनकी भी आबादी अप्राकृतिक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है। क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि जो दुनिया की मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो ये तर्क बिल्कुल गलत है कि अगर हम मुर्गा बकरा नहीं खाएंगे तो वो पूरी दुनिया में छा जाएंगे। अगर एक समझदार आदमी होगा तो इस बात को बड़ी आराम से समझ जाएगा। ये लोग सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद को और अपने को डिफेंड करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। मांस खाने का दूसरा तर्क लोगों का ये होता है कि भाई मुर्गी और बकरे में प्रोटीन बहुत होता है। जिम उम जा रहा है भाई, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो फिर बॉडी कैसे बनेगी? तो मैं उनको बता दूं कि जिस तरीके से मुर्गे और बकरे इन एनिमल्स में प्रोटीन होता है, उसी तरीके से हमारी प्लांट बेस्ड चीज़ों में भी प्रोटीन होता है और उसके बराबर ही प्रोटीन होता है। जैसे सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई कई सारी, तो उन चीज़ों में भी प्रोटीन होता है। तो अगर हम प्रोटीन ही चाहते हैं, प्रोटीन के लिए ही कर रहे हैं, तो हम प्लांट बेस्ड चीज़ों से भी प्रोटीन बड़ी आराम से पा सकते हैं। और दोस्तों आज के समय में भी ऐसे काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स हैं जो कि वीगन और वेजिटेरियन डाइट पर हैं, फिर भी उनकी बॉडी देखने लायक है। तो ये तर्क बिल्कुल गलत है कि हमें प्रोटीन के लिए नहीं खाना होगा। तो क्या प्रोटीन के लिए किसी की जान लेना सही है? वैसे अगर प्रोटीन के हिसाब से देखा जाए तो इंसानों में मुर्गे बकरों से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अब आप क्या इंसान को खा जाएंगे मारकर? तो ये बात तो आपको गलत लगती है, लेकिन अगर वहीं हम बोले कि जानवरों को मार के मत खाओ, जिनमें जान होती है, जिनमें तड़प होती है, उनमें भी दर्द होता है, तो आपको ये बात गलत लगती है। तो ये तर्क भी बिल्कुल गलत है। तीसरा तर्क लोग ये देते हैं कि चलो मान लिया जानवरों को दर्द होता है, क्या पौधों को दर्द नहीं होता जब उन्हें आप काटते हैं, उन्हें आप पकाते हैं, बनाते हैं? तो मैं उनको बता दूं कि पौधों में दर्द नहीं होता है, पौधों में ग्रोथ होती है। पौधों में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्द जो होता है वो हमारे शरीर से नहीं होता, वो हमारे ब्रेन से होता है। अगर हमारे ब्रेन में सिस्टम जो एक दर्द का फंक्शन है वो हटा दिया जाए तो हमें भी दर्द नहीं होगा। तो प्लांट्स में भी यही चीज़ होती है, उनमें मस्तिष्क ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो प्लांट्स हम लगाते हैं वो जब अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं तब जाकर हम उनको खाते हैं। जैसे कि आपने अगर आम का पेड़ लगाया, तब आम खाने के लिए आप पूरे पेड़ को तो नहीं काट देंगे ना। उसका फल है, उसका फल निकलेगा और वो फल एक समय के बाद खुद ही टूट जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए ही बने हैं, हमारे खाने के लिए ही बने हैं और उन्हें दर्द भी नहीं होता है। अभी तक तो रिसर्च से ऐसा नहीं पता चला कि उन्हें दर्द होता है। हाँ, उनमें हलचल जरूर होती है,
लेकिन वही बात करें अगर जानवरों की, तो आप आंखों से ही देख सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से दर्द होता है। जब उन पर छुरी चलती है, जब उनको मारा जाता है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो दर्द में कितना तड़पते हैं, कितनी आवाज़ें निकालते हैं, कितना चिल्लाते हैं। अब आप ही बताइए कि अपने सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए किसी को दर्द देना कितना सही है। इस पर अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसे देखकर मुझे लगा कि भाई वेजिटेरियन होना काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, मेरा तो ये तर्क था। मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को वेजिटेरियन है अभी तक। देखो, पहली बात तो जैसा कि बताया कि हमारे घर में ये सब पहले से ही नहीं चलता था, तो हमें इस चीज़ की आदत नहीं थी। दूसरी बात, जब मेरे घर में मतलब मेरे पापा जो थे वो मिलिट्री में थे, और कभी वो घर पे जैसे अंडा वगैरह उबालना या अंडा खाना ये सब था बचपन में ही, तो जब मुझे बताया गया कि अंडा है इसे खाना है, मतलब मुझे बताया नहीं गया, ऐसा बोला गया कि आलू है इसे खा लो, है ना, मेरी मम्मी ने बोला, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस उल्टी हो गई, है ना। तो उस वक्त से ही मुझे अंडे से भी एलर्जी है, मतलब मुझे अंडे तक खाना भी पसंद नहीं है। तो पहले से ही मांस और अंडे वगैरह तो मैं खाती नहीं थी, दूध बस पीती थी, दूध है, घी है, दही है, छाछ है, और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि मिठाई वगैरह है। लेकिन अब जब हमें ये समझ में आया, सुनने को मिलता है कि कितने बेदर्दी से उनका दूध निकाला जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उनके बच्चों को उनसे दूर कर दिया जाता है, तो जो क्रूरता हो रही है अब दूध निकालने में और दूध के लिए जो जानवर मारे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के समय में हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो जानवरों पे अत्याचार भी है और दूसरी तरह से हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जिस चीज़ पे अत्याचार हो या जिस चीज़ पे दर्द किसी का भरा हो, वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। तो सेहत के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज के समय में दूध पीना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और वैसे भी पहले देसी गाय हुआ करती थी, आजकल विदेशी नस्लों की गायें आ गई हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें दूध पीने से होती हैं। तो अगर एक सेहत के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो हमें अब दूध का सेवन या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी हमें वेगनिज्म फॉलो करना चाहिए। तो मैंने अभी शुरुआत किया है दूध के, जैसे हमें दूध पीने की आदत थी और उसके बदले हमें ऐसा क्या लेके आना चाहिए ताकि मैं इस आदत को छोड़ सकूं। देखिए, हम किसी भी आदत को ना एकाएक नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, उसे हमें किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैंने उसे रिप्लेस किया है नारियल के दूध से, और अभी मैं एक हफ्ते हो गए नारियल का दूध बना रही हूँ, लगातार पी रही हूँ। शुरू शुरू में पीने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी आदत पड़ती जा रही है। कोई भी चीज़ हो, अगर 21 दिन आप उसे करते हो तो वो आदत में आ जाता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, आदत तो बन ही जाती है। तो हमें बस टिके रहना है, अपनी आदत बनाना है। और इसी तरह से मैं चाय पीती थी, तो चाय पत्ती भी नुकसान करती है, दूध से बनती है, तो मैंने पहले उसको ब्लैक टी पीना शुरू किया, उसके बाद मैंने ग्रीन टी पीना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो आदत ख़त्म हो गई। आज हम चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, वो भी बहुत कम। तो इस तरह से मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी हमें गलत लग रहा है, उसको हमें किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर देना चाहिए जो अच्छी चीज़ होती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, सेहतमंद हो। तो मैंने तो शुरू कर दिया है, एक हफ्ते से मैंने दूध बिल्कुल बंद कर दिया है और नारियल का दूध हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया है। आप लोग दूध का इस्तेमाल करते या नहीं करते हैं, इस चीज़ को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या अब के समय में, जैसा कि हमने अभी जो बातें की है, क्या दूध का सेवन करना ज़रूरी है? क्योंकि मांस वगैरह तो हम नहीं खाते, लेकिन दूध हम ज़रूर पीते हैं, और इससे भी आज के समय में क्रुएल्टी हो रही है, मतलब जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। चाहे मांस खाएं चाहे दूध पिए, दोनों एक ही बराबर माना जाता है। तो सेहत के हिसाब से, आत्मीयता के हिसाब से, नियति के हिसाब से, जो भी आप समझो, तो हमें इसे रोकना ही होगा। अब देखिए, दूध जैसे हमने छोड़ा, उस पर भी काफ़ी लोगों का तर्क आएगा कि भाई हमारे भगवान जो थे, भगवान श्री कृष्ण थे, वो खुद दूध पीते थे, वो खुद गाय रखते थे, तो फिर दूध पीना गलत कैसे हो सकता है, वो खुद माखन खाते थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बात कब की है? आज से 5000 साल पहले की। तब क्या होता था? तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतनी आबादी नहीं थी, और सब लोग गाय को अपने घर में अपनी माँ के समान रखते थे, उनको चराने ले जाते थे, नेचुरली उनकी ब्रीडिंग होती थी, मतलब साल में वो जितना नेचुरली बच्चे देते हैं, एक दो उतना देते थे। तो उससे क्या होता था, उनका जो दूध होता था वो ममत्व तो होता था, अपने बछड़े को भी पिलाती थी वो। उसके बाद जो दूध बचता था श्री कृष्ण और उनके जो ग्वाले थे वो पीते थे, तो वहाँ कोई क्रुएल्टी नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो लोग लालच के चलते इसे आप लोगों ने एक व्यापार बना लिया है। लोग गायों को अप्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करवा देते हैं, इसके कारण वो बहुत जल्दी जल्दी बच्चे देती हैं, और बच्चे देने के बाद वो बच्चे को भी उसकी माँ से दूर कर देते हैं।
और बच्चा मरे जिए उनको कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर बछिया हुई तो उनके काम की है तो वो उसको बचा लेते हैं, पाल लेते हैं। लेकिन अगर बछड़ा हुआ तो वो तो उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना अब तो बैल हल चलता है, अब तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, तब उस बैल का तो कोई काम ही नहीं है। तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है सड़कों पर, कुछ सड़कों पर जाते हैं, कुछ जाते हैं कटने के लिए। दूसरी बात, गाय जब बूढ़ी हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में जब गाय बूढ़ी होती थी तो भी उनका उसी तरीके से ख्याल रखा जाता था जिस तरीके से जब वो दूध देती थी तब रखा जाता था। लेकिन अब जब गाय बूढ़ी हो जाती है, उनके किसी काम की नहीं बचती है, तो या तो उनको बूचड़ खाने छोड़ दिया जाता है या फिर उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो अब बताइए कि इसमें क्रुएल्टी है कि नहीं है, कितनी ज़्यादा क्रुएल्टी है। और क्रुएल्टी से निकला हुआ दूध हमारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब गाय प्रेम से ममत्व से दूध अपने बछड़े के लिए उतारती है, उस दूध का स्वाद, उस दूध की जो क्वालिटी होती है और हमारे लिए जो उसका प्रभाव होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और वहीं जो गाय बेचारी दुख में है, उसका बच्चा उसे छीन लिया गया है, आप सोचिए एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उसको कितना दुख होता है। उस दुख के चलते, उस दुख में भी वो दूध देती है। और इसीलिए हमने दोस्तों ये दूध पीना छोड़ा है, क्योंकि वो दूध नहीं है, वो खून है, जहर है, जहर है। क्योंकि बिना खून का व्यापार किए वो दूध इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। अगर गायों को बूचड़ खाने नहीं भेजा जाएगा जो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो फिर वो जो इंडस्ट्री है वो चली नहीं पाएगी। क्योंकि अगर वो बूढ़ी गायों को भी रखने लगेंगे, उनको भी खिलाने पिलाने लगेंगे, तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे इतना, बछड़ों को भी रखने लगेंगे। तो यही एक बड़ी समस्या है जिसके कारण आज आपको सड़कों पर गायें मिलती हैं आवारा घूमती हुई। फिर उनके साथ क्या होता है, बरसात में बेचारी बाहर घूमती हैं, एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। तो ये जो हो रहा है हमारे दूध पीने के कारण ही कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर हम दूध पीना छोड़ सकें और उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव ले सकें तो बहुत अच्छा है। या फिर एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि आप अपने पास फिर इतनी व्यवस्था बनाइए कि आप एक गाय पाल सकें और उसको नेचुरली पालें, उसका नेचुरली ब्रीडिंग जो होती है वो हो, और आप उसको फिर जीवन भर रखें, उसका बछड़ा हो बछिया हो उनको भी रखें। तो अगर आपको दूध पीना, तो फिर आपको ये कीमत चुकानी होगी कि आप गाय को जीवन भर रखें, उसकी जीवन भर सेवा करें। देखिए वो हमें दूध पिलाती है, तो एक तरीके से वो भी हमारी माँ हुई। और अपनी माँ को कोई क्या छोड़ देता है, भले वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए। तो यही बात है, ये लोगों को समझनी पड़ेगी। बात करें अगर नेचर के बारे में कि पर्यावरण को इस चीज़ से कितना नुकसान है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए जो मीट इंडस्ट्री है, अब मीट इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या होता है, मुर्गे बकरों को बड़ा किया जाता है, उनको बड़ा करने के लिए लगता है दाना। अब वो दाना कहाँ से आएगा, उसके लिए करते हैं खेती। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की 3/4 जो खेती होती है वो सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए की जाती है, मतलब सिर्फ 1/4 ही खेती जो है इंसानों के खाने के लिए की जाती है। तो ये तर्क भी बिल्कुल गलत है। कई लोग देते हैं कि भाई अगर मटन चिकन लोग नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त खाना है। 3/4 खाना देखिए उनको खिलाया जा रहा है। उनको खिलाने के बाद फिर उनको बड़ा किया जाता है, इतने सारे जानवरों को बड़ा करके फिर उनको मारा जाता है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं वो हमारे क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं। अभी जो क्लाइमेट चेंज की हम समस्या देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण एक ये भी है जो है मीट इंडस्ट्री और जो ये दूध डेयरी फार्म इंडस्ट्री जो है, इनसे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। अब वो इतना खाते हैं, बड़ा होते हैं, तो उनके अंदर से भी गैसेस निकलती है। तो उन गैसेस के कारण ही हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से क्लाइमेट लगातार बदलता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। तो अगर हम मीट खाना छोड़ दें, दूध पीना छोड़ दें, तो इससे जानवरों पर भी क्रुएल्टी नहीं होगी, हम भी इस गिल्ट से बच सकते हैं कि हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, साथ ही क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छा है। यही कि इस बारे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, हमने तो इस कदम उठा लिया है। यही बात है कि थोड़ी साहस की ज़रूरत होगी, थोड़ी धैर्य की ज़रूरत होगी, एकाएक कोई भी चीज़ नहीं छूट जाती है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और दृढ़ विश्वास रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप हमारी तरह पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते, क्रुएल्टी फ्री जीवन जीना चाहते हैं, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो पहले वेजिटेरियन बनने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे वीगनिज्म की तरफ आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। फ्रेंड्स, इस पेज और इस चैनल पे हम नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं जो कि आज के समय में जरूरी है।
है ना, आज की जिंदगी के लिए क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी इन मुद्दों के साथ जुड़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप इस चैनल और इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हमारे माध्यम से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करना, ताकि और भी लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें आप भी सहयोगी बन सकते हैं, हमारा साथ दीजिए और इस चैनल, इस पेज को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आप कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।